ये देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं एटीट्यूड। आई वॉन्ट टू सी वॉट हैपन्स इफ आई डोंट गिव अप। मतलब हम गिव अप कर लेते हैं ये सोचकर कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत कम लोगों में जिगर होता है ये देखने का कि देखते हैं यार, अगर गिव अप ना किया जाए तो क्या हो सकता है। हम गिव अप कर लेते हैं सामने वाले के बातों में आकर, हम गिव अप कर लेते हैं लोग क्या कहेंगे ये सोचकर। मगर एक बार अगर आपने हौसला रखा और देखने की कोशिश की कि अगर गिव अप नहीं किया जाए तो क्या हो सकता है, अगर आप में ये एटीट्यूड आ गया ये सोचने का कि देख लेंगे क्या होता है, तो आप सक्सेसफुल जरूर बन सकते हो। कुठल्याही एग्जामला क्लियर करण्यासाठी आपल्याजवळ तीन गोष्टी खूप आवश्यक असतात। पहिली म्हणजे स्ट्रॅटेजी। आपल्याजवळ जर प्रॉपर स्ट्रॅटेजी असेल तर कुठल्याही एक्झामला आपण क्लिअर करू शकतो। दुसरं म्हणजे गायडन्स। जर आपल्याजवळ प्रॉपर गायडन्स असेल तर प्रॉपर स्ट्रॅटेजी निर्माण होईल, आणि प्रॉपर स्ट्रॅटेजी असेल तर कुठलीही एक्झाम क्लिअर होईल। आणि तिसरं म्हणजे स्मार्ट वर्क। आपल्याला इथे हार्ड वर्क करायचं नाही आहे, आपल्याला स्मार्ट वर्क करायचं आहे। आपलं काय चुकलं आहे त्यावर काम करायचं आहे, आणि जेव्हा आपण असं करतो तेव्हा आपण एक्झाम क्लिअर करू शकतो। आणि या सगळ्या गोष्टींसाठी आपल्याला कोचिंग इन्स्टिट्यूट जॉईन करावे लागते, म्हणजेच घराच्या बाहेर राहावं लागते, त्याचबरोबर खूप खर्च होतो आणि घरवालेसुद्धा आपल्यासोबत नसतात, एकट्याला राहावं लागते, आणि त्याचबरोबर जे एक्झाम आहे त्यासाठी प्रिपेअर करताना कधीकधी फ्रस्ट्रेशनसुद्धा निर्माण होते। तर याला दूर कसं करायचं? यालाच दूर करण्यासाठी अनअकॅडमी तुम्ही जॉईन करू शकता। कारण अनअकॅडमीवर घरी बसल्या बसल्या तुम्ही लेक्चर्स अटेंड करू शकता, जे कुठले तुमचे डाऊट्स असतील ते तुम्ही लाईव्ह विचारू शकता, आणि जर तुमचा लेक्चर मिस झाला तर तुम्ही रेकॉर्डेड लेक्चरसुद्धा बघू शकता, आणि दुसऱ्या दिवशी जे एज्युकेटर आहे त्यांचा लाईव्ह लेक्चर अटेंड करून जे कुठले डाऊट तुम्हाला असतील ते सगळे तुम्ही विचारून जे प्रिपरेशन आहे ते अजून स्ट्रॉंग बनवू शकता। तर आता प्रश्न येतो की अनअकॅडमी ॲपवर तुम्हाला काय काय मिळणार आहे। जर तुम्ही MPSCची प्रिपरेशन करत आहे तर तुम्हाला इतके कोर्सेस तिथे बघायला मिळेल। करंट अफेअर्सवर 40 कोर्सेस आहे, GS Studies 4, GS Studies 1 इतके कोर्सेस तुम्हाला बघायला मिळत आहे। आणि त्याचबरोबर MPSCची कुठलीही एक्झाम असो तुम्ही त्याला क्लिअर करू शकणार, आणि अनअकॅडमी तुमच्यासोबत नेहमी राहणार। भारतातले टॉप एज्युकेटर्स तुम्हाला अनअकॅडमी ॲपवर बघायला मिळेल, जे तुम्हाला प्रॉपर गायडन्स, प्रॉपर स्ट्रॅटेजी आणि स्मार्ट वर्क कशाप्रकारे करायची या सगळ्या गोष्टींचं गायडन्स तुम्हाला देणार। तर आता मोठा प्रश्न येतो की अनअकॅडमी प्लसचं सबस्क्रिप्शन कशाप्रकारे घ्यायचं। तर त्यासाठी तुम्हाला गेट सबस्क्रिप्शनवर क्लिक करावं लागेल। जेव्हा तुम्ही गेट सबस्क्रिप्शनवर क्लिक कराल तर एक नवीन विंडो ओपन होणार, जिथे तुम्हाला व्हेरियस सबस्क्रिप्शन ऑप्शन्स दिसणार, आणि तिथे तुम्हाला 1 महिन्यासाठी, 3 महिन्यासाठी, 6 महिन्यासाठी, 12 महिन्यासाठी, 24 महिन्यासाठी, तर कोणतं तुम्हाला सबस्क्रिप्शन घ्यायचं आहे तुम्ही तुमच्या अकॉर्डिंग तिथे चूज करू शकता। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जर तुम्ही इथे 12 महिन्याचं जॉईन केलं तर तुम्हाला खूप मोठं डिस्काउंटसुद्धा मिळत आहे। त्यानंतर एक नवीन विंडो ओपन होणार जिथे तुम्हाला रेफरल कोड विचारला जाईल। तर इथे रेफरल कोड तुम्हाला टाकायचा आहे MMBean। MMBean हा जर तुम्ही रेफरल कोड टाकला तर इथे रेफरल कोड अप्लाय होऊन जाणार, आणि जी कुठली रक्कम होती, जी कुठली फीज होती, ते इथे डिस्काउंटमध्ये अजून कमी होऊन जाणार। तर डिस्काउंटेड फीज जर तुम्हाला हवी आहे तर तुम्हाला रेफरल कोडसुद्धा इथे वापरावं लागेल। त्यानंतर जर तुम्ही प्रोसीड टू पेमेंट करता तर व्हेरियस ऑप्शन्स तुम्हाला पेमेंटचे दिसेल, जिथे तुम्ही पेमेंट करू शकता, आणि त्यानंतर जे व्हेरियस कोर्सेस आहे व्हेरियस एज्युकेटर्सनी बनवलेले ते तुम्ही एन्जॉय करू शकता, आणि प्रॉपर स्ट्रॅटेजी, प्रॉपर गायडन्स, प्रॉपर मॅनेजमेंट, प्रॉपर स्मार्ट वर्क थ्रू तुम्ही कुठलीही एक्झाम सोप्या पद्धतीने क्लिअर करू शकता, आणि ते सुद्धा घरी बसल्या बसल्या। तर आजच जॉईन करा अनअकॅडमी प्लसचं सबस्क्रिप्शन आणि रेफरल कोड वापरा MMBean। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 27 जैन का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम 27 ही नहीं तो 25 का भी जो एनालिसिस है वो भी देखेंगे। मतलब 25 और 27 दोनों दिन का एनालिसिस जो है वो हमें इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। अब देखिए, कभी कभार इरेगुलरिटी हो जाती है, मतलब एक आध दिन का जो है किसी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहा था, सुबह 5 बजे पहुंचा और फिर उसके बाद कुछ और लाइव लेक्चर थे, उस वजह से मैं लेक्चर जो है वो नहीं ले पाया।
मगर कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन आपका जो नुकसान है वो बिल्कुल मैं नहीं होने दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ कवर किया जाएगा। सेपरेटली 25th का लाने के बजाय मैंने सोचा कि 27th में ही अगर उसे इंक्लूड कर दिया जाए तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, इसीलिए मैंने 27th के ही इसमें 25th को भी इंक्लूड कर दिया है। और पहले से ही मैं आपको बता दूँ कि 30th जो है, 30th और 31st, 30th का तो खैर आ जाएगा, लेकिन 31st जो है उसका यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब 30th और 31st का भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आपको निश्चिंत रहना है, ये भी जो है 30th और 31st, ये भी न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस है वो कवर किया ही जाएगा। मैं किसी भी तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नुकसान जो है वो नहीं होने दूंगा, ये आप मुझ पर भरोसा रखिए। और आप रखते ही आ रहे हो, इतना प्यार देते हो, इतना भरोसा रखते हो, तो वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए अगर आपको पसंद आता है। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। यहाँ पर जूम्ड इमेज जो है वो भी आपको नज़र आ रही होगी। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। अब देखिए यहाँ पर 25th का अगर हम इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं, उसका एक्सप्लेन सेक्शन, उसमें ये वाला आर्टिकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसी के साथ साथ ये वाला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला आर्टिकल हम देखने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आज का हम देखते हैं, मतलब 27th का अगर हम देखते हैं, तो उसमें ये वाला आर्टिकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हमारे GS पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो एंशियंट हिस्ट्री है वो सेक्शन में आपको इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। बाकी ये वाला भी अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद एडिटोरियल पेज आते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर एडिटोरियल पेज में कौन कौन से आर्टिकल क्या क्या दिए गए हैं उसमें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 दिन का न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट है अपने आप कवर कर दिए जाएंगे। तो इसलिए मैं इन डिटेल में यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं ये नहीं देखूंगा। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पर कवर कर लूँगा। ये आज का है, मतलब 27th का जो यहाँ पर एडिटोरियल और आइडियाज़ पेज आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स यहाँ पर आप देखोगे तो वो भी जो 8th पेज है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो है ये है 25th जैन का, तो इसमें ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ फाइनेंस जो है, मतलब इकोनॉमी सेक्शन जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये वर्ल्ड न्यूज़ पेज आ रहा है, इकोनॉमी पेज है, वर्ल्ड पेज है, ये आज का है। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हमें देखने को मिलने वाले हैं आज जो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर जो व्योम मित्र स्पेस जॉब है वो हम देखेंगे, मतलब इसका बेसिकली जॉब क्या है। अब देखिए व्योममित्र क्या है ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ था, लेकिन अब थोड़ा हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि क्या है, क्यों बनाया गया है, इसका क्या काम है, सब कुछ हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे GS पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इस पर पूछा जा सकता है सिर्फ कि व्योममित्र काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है तो ये क्या है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये ह्यूमनॉइड रोबोट है। और उसी के साथ साथ स्पेसिफिकली देखा जाए तो हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसका मतलब क्या होता है ये अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए वेडनेसडे को व्योममित्र जो है हाफ ह्यूमनॉइड, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये हाफ ह्यूमनॉइड है, ये डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा। और ये जो है प्रोटोटाइप है फॉर हाफ ह्यूमनॉइड जो कि इवेंचुअली स्पेस में जाने वाला है अनमैन्ड मिशन के तौर पर, क्योंकि देखिए गगनयान जो 2022 में भेजने वाले हैं वो मिशन के तहत जो एस्ट्रोनॉट्स है वो स्पेस में जाएंगे, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से जा पाएंगे या नहीं और उसी के साथ साथ जाकर उन्हें वापस भी आना है, तो इसके लिए यहाँ पर पहले ह्यूमनॉइड जो है उसे यहाँ पर भेजा जाएगा। पूरी जो प्रोसेस है वो देखी जाएगी, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है या नहीं वो देखा जाएगा, और उसके बाद जो एस्ट्रोनॉट्स है उन्हें स्पेस में भेजा जाएगा गगनयान मिशन 2022 के तहत। अब देखिए हाफ ह्यूमनॉइड मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम जो हाफ ह्यूमनॉइड की बात कर रहे हैं तो क्यों इस तरीके से हाफ ह्यूमनॉइड बोल रहे हैं। अब ह्यूमनॉइड बेसिकली एक रोबोट होता है जिसका अपीयरेंस जो है वो ह्यूमन बीइंग की तरह होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, और आपने रोबोट पिक्चर भी देखी होगी है ना, काफ़ी कुछ है, ट्रांसफॉर्मर है। तो इस तरीके से ह्यूमनॉइड मतलब होता है ह्यूमन तरीके से दिखने वाला रोबोट। अब यहाँ पर इसरो ने जो नाम दिया है व्योममित्र, ठीक है, तो ये किस तरीके से दिया गया है, तो व्योम मतलब होता है स्पेस और मित्र मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है, तो इसीलिए इसे व्योममित्र जो है वो कहा जा रहा है। और ये एक हाफ ह्यूमनॉइड है, हाफ ह्यूमनॉइड का मतलब क्या होता है कि हाफ ये ह्यूमन की तरह दिखाई दे रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हेड है 2 हाथ है ह्यूमंस की तरह और ये टॉर्सो है ह्यूमन की तरह, लेकिन यहाँ पर लोअर लिम्ब जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता, मतलब पैर वगैरह जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए इसे हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो कहा जा रहा है। अब आपको समझ में आ गया हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट क्यों है ये। दूसरा यहाँ पर क्यों डेवलप कर रहा है ह्यूमनॉइड जो है वो क्यों डेवलप कर रहा है इसरो, तो इसरो ने प्लान किया है ह्यूमंस को स्पेस में भेजने का पहली बार 2022 में।
अब यहाँ पर जो बेसिकली रॉकेट किस तरीके से जाता है, कितने सेफ्टी हो सकती है या नहीं, क्योंकि डायरेक्टली अगर लोगों को भेजा जाए तो फिर अगर वो सेफ्टी ना हो तो जैसे हमारा चंद्रयान मिशन जो है उसमें क्या हुआ था, जो विक्रम लैंडर है वो हार्श लैंडिंग कर दी थी उसने, हार्ड लैंडिंग कर दी थी। तो ऐसा ही अगर यहाँ पर होता है तो यहाँ पर तो जान का धोखा है, वहाँ कुछ हमें जो जान का नुकसान नहीं हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ह्यूमनॉइड उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके तहत वहाँ पर उन्हें भेजा जाएगा, उसके बाद जो भी सर्कमस्टेंसेस है वो वहाँ पर देखे जाएंगे और फिर वहाँ पर ह्यूमंस जो है उन्हें सक्सेसफुली लॉन्च किया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स है वो रिटर्न भी आने चाहिए, सेफ ट्रैवल होना चाहिए, रिटर्न भी वापस आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो की जा रही है। अब पहले क्या हुआ करता था, पहले यहाँ पर जो ह्यूमनॉइड है वो नहीं लेकिन जो एनिमल्स है उन्हें भेजा जाता था, एनिमल्स को भेजा जाता था। एनिमल्स को भेजने की वजह से क्या है कि वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं, सिस्टम चल रही है या नहीं, और फिर रॉकेट से जाने के बाद वो वापस आएंगे या नहीं, ये सब कुछ अच्छी तरीके से मेजर किया जाता था, फिर एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता था। अब यहाँ पर फंक्शंस क्या रहने वाले हैं हाफ ह्यूमनॉइड मतलब व्योममित्रा के, तो ये काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये ऑक्सीजन तो नहीं ले पाएगी क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है क्या है वो तो समझ नहीं पाएगी, लेकिन यहाँ पर वहाँ की कंडीशंस कैसी है और उसी के साथ साथ ये कम्युनिकेट भी कर पाएगी अर्थ के साथ। अब देखिए जैसे कि सेफ्टी मैकेनिज्म जो है स्विचेस के, उसी के साथ साथ रिसीविंग और कमांड जो है वो एक्टिव करना, वहाँ उस पर एक्ट करना जो ग्राउंड स्टेशन से भेजे गए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो व्योममित्र है उसके द्वारा की जा सकती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर मतलब जो एनवायरमेंट है ना, जो वार्निंग्स है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जा सकती है। और उसी के साथ साथ स्पीच जो है यहाँ पर हम सुन भी सकते हैं कि क्या फंक्शंस वहाँ पर हो रहे हैं, तो ये एक फ़ायदा हो सकता है व्योममित्रा का। व्योममित्रा जो है वो अर्थ को यहाँ पर सिग्नल्स भी भेजेंगी कि किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें हैं वो हो रही है, हीट रेडिएशन लेवल जो है वो किस तरीके का है ना, ये सारी चीज़ें समझने में यहाँ पर आसानी जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर कौन कौन से मिशंस ने ह्यूमनॉइड का इस्तेमाल किया गया है, कौन कौन से मिशंस में, कौन कौन सी कंट्रीज ने, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बन सकता है। तो यहाँ पर मोस्ट रिसेंट मिशन जो है वो डमी एस्ट्रोनॉट का भेजा गया था मार्च 2019 में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नाम जो है वो देख सकते हैं, मनी क्विन जिसे रिप्ले कहा जा रहा था, ये जो लॉन्च किया गया स्पेसएक्स फाल्कन रॉकेट के द्वारा, है ना, ये आपने देखा भी होगा काफ़ी न्यूज़ में था। दूसरा यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट जो है जिसे किमोन कहा जा रहा था, मतलब क्रीव इंटरैक्टिव मोबाइल कंपेनियन, ये डिप्लॉयड किया गया था ISS एयरबस के द्वारा, और उसी के साथ साथ ये जो है डिप्लॉय किया गया था ISS बाय जाक्सा स्पेस एजेंसी, जापान की जो स्पेस एजेंसी है। फिर एक हमें जो किरोबो है वो देखने को मिलता है, ह्यूमनॉइड रोबोट एस्ट्रोनॉट जो जापान में बिल्डअप किया गया था। फिर यहाँ पर रशियन ह्यूमनॉइड रोबोट जो है फेडर, ये भी हमें देखने को मिला था 2019 में ही ये गया था, तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो आपको पूछा जा सकता है कि इससे पहले कोई भी नहीं भेजा गया है, तो आपको पता रहना चाहिए, नहीं इससे पहले भी भेजे गए हैं, रशिया की तरफ से भी भेजा गया है, स्पेस एक्स फाल्कन रॉकेट जो जापान है उनके द्वारा भी भेजा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पर नेक्स्ट इस पर आते हैं, पोलियो कमबैक इन नंबर ऑफ कंट्रीज, जो पोलियो है जिसे हम इलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया से इलिमिनेट जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, बाकी कंट्रीज बहुत सारी कंट्रीज से भी हुआ है, तो यहाँ पर इसका कमबैक देखने को मिल रहा है। अब देखिए लास्ट वन ईयर और सो पोलियो जो है उसका कमबैक देखने को मिला है फिलीपींस, मलेशिया, घाना, म्यांमार, चाइना, कैमरून, इंडोनेशिया, ईरान, यहाँ पर, और उसी के साथ साथ मोस्टली क्या है एज वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो इन्फेक्शन। अब इसमें अलग अलग तरीके के क्या होते हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि हमने इस पर बात की हुई है, जो पोलियो है उसके जो टाइप होते हैं अलग अलग उस पर भी बात की हुई है, लेकिन और अच्छे तरीके समझना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, और सरकार ने भी इसके रिगार्डिंग काफ़ी कुछ जो पहल है वो लगाई हुई है। तो देखिए CDC के अकॉर्डिंग अगर हम माने, पोलियो जो है वह क्रिपलिंग पोटेंशियली डेडली डिसीज़ है जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। क्या है? क्रिपलिंग और पोटेंशियली डेडली डिसीज़ है जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, क्योंकि जो वायरस जो पूप होता है उसमें रहते हैं और पर्सन को इन्फेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर जो पर्सन इन्फेक्टेड है पोलियो से, अगर वो डेफिकेट करता है ओपन में, अपने हाथ सही तरीके से नहीं धोता है, तो दूसरों तक भी ये वायरस जो है वो पहुँच सकता है। उसी के साथ साथ लोग जो है वो इन्फेक्ट हो सकते हैं अगर उन्होंने पानी जो है वो पिया है, खाना खाया है जो कि कॉन्टेमिनेटेड है इन्फेक्टेड पूप से,
उसी के साथ साथ जो लोग पोलियो के साथ रह रहे हैं वो कोई सिख नहीं होते हैं, मतलब कोई बीमार बीमार ऐसे नहीं पड़ते। कुछ लोग जो है उन्हें कोई माइनर सिम्टम्स ही होते हैं, जैसे कि फियर हो गया, टायर्डनेस हो गया, नौशिया, हेडेक, ये सब हमें देखने को मिलता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में पोलियो इन्फेक्शन जो है वो परमानेंट लॉस ऑफ मसल फंक्शन, जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं, वो भी देखने को मिलता है। पोलियो जो है वो फैटल है, मतलब डेडली डिसीज है, इससे डेथ हमें देखने को मिलता है अगर जो मसल्स ब्रीदिंग के लिए यूज हो रहे हैं अगर वो पैरालाइज हो जाते हैं तो, ठीक है, मतलब ब्रेन में जो है वो भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं कैरेक्टरिस्टिक है पोलियो की जो हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप पोलियो जो है वो देख सकते हो, पोलियो यहाँ पर पोलीमेलिटिस हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज है, मेनली चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, इसलिए चिल्ड्रन को जो पोलियो ड्रॉप्स है वो दिए जाते हैं। WHO के अकॉर्डिंग देखा जाए वायरस जो है ट्रांसमिट होता है थ्रू ओरल रूट, जो हमने पूप ओरल रूट देखा था उसके जरिए। और यहाँ पर तीन टाइप के पोलियो वायरस देखने को मिलते हैं, P1, P2 और P3, जो मैंने आपको इसका डिफरेंस भी बताया था, P1, P2 और P3, है ना। P2 जो है वो इरेडिकेट किया गया ग्लोबली 1999। इंडिया जो है उसने पोलियो फ्री स्टेटस अटेंड किया 2014 में, जब उसने सक्सेसफुली एलिमिनेट किया P1 और P3 स्ट्रेन को। उसी के साथ साथ यहाँ पर वैक्सीनेशन अगर स्केड्यूल देखा जाए तो वैक्सीनेशन स्केड्यूल जो है वो OPV जो 6 वीक्स है उसमें देना चाहिए, फिर IPV जो है 6 वीक्स 14 वीक्स, और OPV बूस्टर ये 16 to 24 मंथ्स, इस तरीके से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर वायरस जो है वो इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई होता है, इंटेस्टाइन में वायरस जो है वो मल्टीप्लाई होता है, और इस वजह से क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो है उसे अफेक्ट करता है और पैरालिसिस जो है वो हमें देखने को मिलता है। और एक बार अगर ये हो गया तो पेशेंट जो है वो लाइफ टाइम के लिए क्रिपल्ड हो जाता है, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट इसकी हमें देखने को नहीं मिलती है, कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इसके 3 वेरिएंट है पोलियो वायरस के, 1, 2, 3, है ना। अब यहाँ पर अगर पोलियो फ्री डिक्लेयर करना है किसी भी कंट्री को तो वाइल्ड ट्रांसमिशन जो है तीनों काइंड ऑफ डिसीज के वो रुकने चाहिए। अगर हमें कंट्री को पोलियो फ्री डिक्लेयर करना है तो तीनों जो है ये केसेस यहाँ पर रुक जाने चाहिए। जनवरी 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया था, 3 साल लगातार 0 केसेस थे, ठीक है, 3 साल लगातार यहाँ पर 0 केसेस हमें देखने को मिले थे, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो यहाँ पर इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष है, इस तरीके की भारत ने काफ़ी प्रोग्राम्स इस पर चलाए थे, है ना। उसी के साथ साथ इंडिया का जो इम्यूनाइजेशन कैंपेन है वहाँ पर ग्रेट सक्सेस जो है वो इंडिया को मिली थी, और काफ़ी साल से यहाँ पर जो पोलियो ड्रॉप्स है उसे पिलाने के लिए भी काफ़ी मशक्कत जो है वो कर रहे हैं सरकार, जैसे कि जो अमिताभ बच्चन है उनको भी ब्रांड एम्बेसिडर्स का बनाया गया था, वो एडवर्टीजमेंट लाते थे, अभी भी लाते हैं कि पोलियो ड्रॉप जो है वो आप पिलाइए। 2018 में यहाँ पर जो पोलियो वैक्सीन है वो कंटेमिनेटेड पाई गई थी विद पोलियो 2 वायरस, है ना, जो कि इरेडिकेट किया गया कंट्री से 1999 में। हाउएवर WHO जो है उसने यहाँ पर क्विकली एक स्टेटमेंट इशू किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है वैक्सीन इस्तेमाल की गई है इंडिया में वो काफ़ी सेफ है, तो ऐसा यहाँ पर पाया गया था। मतलब एक अफवाह जो है वो यहाँ पर उड़ी थी कि यहाँ पर जो ये है, मतलब जो इंजेक्शन है, जो भी बोलते हो आप, जो ये है क्या बोलते हो उसको यार, जो वैक्सीन है वो यहाँ पर कॉन्टेमिनेटेड है, ये एक अफवाह थी, ठीक है। अब देखिए वैक्सीन जो हेजिटेशन है वो भी हमारे कंट्री में काफ़ी देखने को मिल रहा है, जिससे कि अलग अलग जो TB है ना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये और ज़्यादा बढ़ रही है। उसी के साथ साथ कुछ साल पहले इंडिया ने एक इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस की थी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। इसके वजह से जो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो इन्फेक्शन है उसके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो इन्फेक्शन क्यों? क्योंकि देखिए वैक्सीन के थ्रू भी कभी कभी जो पोलियो है वो बढ़ जाता है, उसके वजह से भी जो पोलियो के कीटाणु हैं वो वायरस जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ये अभी हमें देखने को मिला एट प्रेजेंट जो मलेशिया वगैरह जहां हम देख रहे हैं वहां वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो इंडिया ने इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लाया था उससे यहाँ पर क्या हो रहा था, इसके चांसेस जो है वो कम हो रहे थे। वाइल्ड और वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाते हैं 0 पर, मतलब कि कोई भी ट्रेसेस अगर लेफ्ट नहीं है वायरस के पूरी दुनिया में, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने इरेडिकेट पूरी तरीके से कर दिया है। मगर अभी क्या है, अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है वो चल रहा है, और वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो इन्फेक्शन जो है वो कोई कोई कंट्री में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये पूरा सिनेरियो हमें पोलियो वैक्सीन का देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर काठमांडू जो है उसने मोदी जी को इनवाइट किया है, और जो इमरान खान है उन्हें इनवाइट किया है सागरमाथा डायलॉग के लिए। तो अब यहाँ पर जो नेपाल है उसने इनवाइट किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सागरमाथा संबंध। अब देखिए संबंध भी बोलते हैं या फिर सागरमाथा डायलॉग भी बोलते हैं।
तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सारी जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर सागर माथा डायलॉग, सागर माथा संबंध बेसिकली क्या है, ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसे ही हम समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो सागर माथा संबंध जो है ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है, किसका? तो ये है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का इनिशिएटिव। किसका है? गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का इनिशिएटिव है परमानेंट बायनियर ग्लोबल डायलॉग, जो कि 2020 से स्टार्ट हो रहा है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिगेस्ट डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव रहेगा नेपाल के रिसेंट हिस्ट्री में, बिगेस्ट डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव रहने वाला है। अब ये स्टैब्लिश किया गया 2019 में, हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू नेपाल में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए एक एक पॉइंट जो है ना प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है जो संबंध है या फिर डायलॉग बोलते हैं, ये नाम रखा गया है आफ्टर द वर्ल्ड टॉलेस्ट माउंटेन सागर माथा, माउंट एवरेस्ट है ना, जो कि एक सिंबल है फ्रेंडशिप का, तो उसके नाम पर रखा गया है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसके नाम पर इस डायलॉग का रखा गया है, माउंट एवरेस्ट भी अगर आपको देते हैं तो ये भी सही रहेगा। ठीक है, सागर माथा, ओके, मतलब यहाँ पर जो कॉमन गुड है, कलेक्टिव वेलबींग है ह्यूमैनिटी का, वो प्रमोट करने के लिए। ये मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग फोरम है जो कि कमिटेड है, जिससे कि यहाँ पर ग्लोबल, रीजनल, नेशनल सिग्निफिकेंस के जो भी इश्यूज हैं वो यहाँ पर सॉर्ट हो सकते हैं। फर्स्ट एडिशन जो है सागर माथा संबंध का वो काठमांडू में किया जाएगा 2-4 अप्रैल 2020, जिसकी थीम क्या रहने वाली है, थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम रहने वाली है क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड फ्यूचर ऑफ द ह्यूमैनिटी। क्या रहने वाली है? क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये हमें इसकी थीम देखने को मिल रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक एक पॉइंट, तो अच्छी तरीके से समझ लिए हैं आपने तो और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा PDF के थ्रू। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम आते हैं रिलायंस ऑफ डायनेस्टी डिकोडेड। अब देखिए ये वाला जो है हमारे JS पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 27th के न्यूज़पेपर इसमें आया था, ठीक है, मतलब आज की ही। अब देखिए रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस देखा जाए नगरधन रामटेक तालुका में, जो नागपुर के पास आता है, उसने कॉन्क्रीट एविडेंस दिया है लाइफ, रिलीजियस एफिलिएशन, ट्रेड प्रैक्टिसेज, जो वाटाकाटा डायनेस्टी है उसका। अब यहाँ पर वाटाकाटा डायनेस्टी जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब देखिए वाटाकाटा डायनेस्टी अगर आप देखोगे तो वाटाकाटा डायनेस्टी के बारे में इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा पता ही नहीं चला है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो रिसेंट एक्सकेवेशन हुआ है उसमें काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिला है। तो अब क्या देखने को मिला है यही यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 150 साल बाद यहाँ पर एक सीलिंग जो है वो एक्सकेवेट की गई है पहली बार, सीलिंग जो है वो यहाँ पर एक्सकेवेट की गई है पहली बार। नए स्टडी के हिसाब से निम्बिस्टिक डाइजेस्ट उन्होंने ट्राई किया है कि यहाँ पर वटाकाटा रूल जो है अंडर क्वीन प्रभावती गुप्ता इनके अंडर में देखी जा सके। किसके अंडर में? प्रभावती गुप्ता इनके अंडर में। अब देखिए कुछ बेसिक मैं वटाकाटा डायनेस्टी के बारे में आपको बता देता हूँ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, आगे हम डिटेल में और तो देखने ही वाले हैं लेकिन एक्सकेवेशन के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे एज कम्पेयर टू यहाँ पर जो वटाकाटा डायनेस्टी है। तो जो भी एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो है इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो देखिए ये ओरिजिनली देखा जाए तो वटाकाटा जो है वो ब्राह्मण्स है, ठीक है, वटाकाटा ओरिजिनली ब्राह्मण्स है, उनका ओरिजिन जो है वो कहीं से भी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन इस एक्सकेवेशन के बाद ये बोला जा रहा है कि विदर्भ रीजन जो है वहाँ से इनका एक्सकेवेशन जो है वो देखा जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हो ये है महाराष्ट्र और यहाँ पर आपको ये जो रीजन है ये देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर है, मतलब विदर्भ साइड का जो रीजन है वहाँ पर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ उनका संस्कृत और प्रकृत इंस्क्रिप्शन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके की स्किल जो है वो यहाँ पर एक्सकेवेट जो है वो की गई है, ओके। तो इनके कई रूलर्स थे जैसे कि जो विद्युतशक्ति है वो थे, उसके बाद प्रभासेना थे, है ना। तो ये सारे जो रूलर्स हैं रुद्रसेना 2, तो ये सब के रीजन हमें यहाँ पर देखने को मिलते थे। अब देखिए एक्सकेवेटेड साइट बेसिकली क्या है, तो नगरधन जो है ये लार्ज विलेज है नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, 6 किलोमीटर साउथ है रामटेक तालुका हेडक्वार्टर्स के। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो है वो फाउंड किए गए हैं यहाँ पर इस प्लेस में, ठीक है। रिसर्चर जो है उन्होंने एक्सकेवेट किया है इस साइट को 15 से 18 के बीच में। और कोटेश्वर टेम्पल जो है यहाँ पर हमें 15th-16th century जो है वो देखने को मिलता है इस बैंक पर स्ट्रीम के, कंस्ट्रक्ट किया गया था गोंड राजा पीरियड के टाइम पर,
ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए एक्सकेवेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अब देखिए वाटाकाटा डायनेस्टी जो है उनके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है ना। शेवाइट रूलर जो है सेंट्रल इंडिया बिटवीन 3rd to 5th century। अब ये जो डायनेस्टी है वाटाकाटा डायनेस्टी ये विदर्भ रीजन से बिलोंग करती है ऐसा बिलीव किया जाता था। अब यहाँ पर क्या हुआ एक्सकेवेशन के थ्रू हमें कुछ पता भी चला है, लेकिन पहले ही विदर्भ रीजन से बिलोंग करते ऐसे क्यों पता चल रहा था, क्योंकि लार्जली लिटरेचर जो कॉपर प्लेट्स है उसके द्वारा अज्यूम किया जा रहा था। ये जो अजम्पशन है यहाँ पर जो साइट एक्सकेवेट की गई है इसके वजह से अब प्रॉपरली कन्फर्म जो है वो हमें देखने को मिला है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है नगरधन में वो यहाँ पर जो कैपिटल है वाटाकाटा किंगडम की उसके द्वारा समझ में आ रहा है कि ये उनकी कैपिटल रही होगी। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो और अच्छी तरीके से ये महाराष्ट्र जो है वो हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर वाटाकाटा जो है उनका अस्तित्व देखने को मिलता है, मतलब कि ये विदर्भ जो है वहाँ पर होता है। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या फाइंड किए गए हैं, तो फर्स्ट टाइम क्ले सीलिंग जो है जैसा मैंने अभी आपको बताया था पिक्चर में क्ले सीलिंग जो है वो यहाँ पर एक्सकेवेट की गई है नगरधन से। ओवल शेप्ड सीलिंग जो है ये इस पीरियड को बिलोंग करती है जब प्रभावती गुप्ता जो है वो क्वीन थी वाटाकाटा डायनेस्टी की। अब आप सोचिए कि ये कैसे क्या यहाँ पर रूलर जो है वो रही होगी, तो यहाँ पर इनके जो नाम है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो कॉपर प्लेट इशूड किए गए क्वीन प्रभावती गुप्ता के वो यहाँ पर जो गुप्ताज हैं उनकी भी यहाँ पर जो जीनियोलॉजी है वो यहाँ पर दर्शाती है, उनके स्टार्ट बताता है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है वैष्णवा सिग्नेचर जो है रॉयल सील पर वाटाकाटास के वो भी यहाँ पर दिखाते हैं। तो प्रभावती गुप्ता जो है वो पावरफुल वुमेन रूलर रही है। अब कैसे रही है, तो देखिए वाटाकाटा रूलर जो है वो सेवरल मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाने के इस पर थे, मतलब ये राजा है इसके साथ इसकी शादी कर दो जिससे कि ये दुश्मन हमारा दोस्त बन जाए, इसे हम कहते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस। तो यहाँ पर ये जो है वाटाकाटा ये काफ़ी मैट्रिमोनियल अलायंस बनाते थे और वन ऑफ द की अलायंस जो है वो इनका प्रभावती गुप्ता ऑफ माइटी गुप्ता डायनेस्टी जो यहाँ पर रूलिंग कर रहे थे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। जो गुप्ता डायनेस्टी है उनके साथ यहाँ पर प्रभावती गुप्ता जो है उनका यहाँ पर अलायंस कर देना। अब यहाँ पर क्या हुआ जो गुप्ताज थे वाटाकाटा से भी ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन अब उनमें क्या हो गया है अलायंस हो गया है। तो यहाँ पर वाटाकाटा किंग जो रुद्र सेना 2 है उसने प्रभावती गुप्ता जो है पोजिशन ऑफ चीफ क्वीन के तौर पर एंजॉय की और जब उन्होंने वाटाकाटा किंगडम जो है उसे टेक ओवर कर लिया सडन जो रुद्रसेना 2 का डिसमिस हुआ था उसके बाद, तो उनका यहाँ पर जो एज अ वुमेन वाटाकाटा रूलर का उनका जो अहुदा है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया, सिग्निफिकेंटली बढ़ गया। और ये एविडेंट है कि यहाँ पर सीलिंग जो है उस पर हमें जो यहाँ पर रुद्रसेना नहीं लेकिन जो प्रभावती गुप्ता है उनके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस जो है वो देखने को मिला था। तो जब वाटाकाटा के बारे में बोला जाए तो उसके लिए आपको रुद्रसेना तो आपको याद रखना ही है, उसी के साथ प्रभावती गुप्ता जो है ये भी आपको याद रखना है, उसी के साथ साथ वो ब्राह्मिन्स थे ये आपको याद रखना है, विदर्भ रीजन जो है वहाँ से बिलोंग करते थे ये आपको याद रखना है, वाटाकाटा रूलर जो है उन्होंने शिवा सेक्ट जो है ये फॉलो किया था ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पहले भी यहाँ पर एक्सकेवेशन जो है वो किए गए थे लेकिन उस टाइम पर जो है वो सिरेमिक्स जो ईयर स्टड्स ऑफ ग्लास है एंटीक्विटीज़ है बाउल्स एंड पॉट्स है ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहे थे। सम टेराकोटा ऑब्जेक्ट जो है जो कि यहाँ पर गॉड के इमेज डिपिक्ट करते हैं एनिमल ह्यूमंस के करते हैं है ना, स्कॉचेस व्हील स्किन रबर स्पिंडल ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। उसी के साथ साथ जो लॉर्ड गणेश आइडल है वो भी यहाँ पर कोई ऑर्नामेंट उसमें देखने को नहीं मिल रहा था, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो एलिफेंट गॉड है वो भी कंफर्म किया गया था कि वो वर्शिप करते थे है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर वाटाकाटा पीपल जो है वो एनिमल रेयरिंग जो है वो उनका मेन ऑक्यूपेशन था ये भी यहाँ पर दर्शा रहा था। और यहाँ पर 7 स्पीशीज जो है डोमेस्टिक एनिमल्स के कैटल गोट शीप पी कैट हॉर्सेस फॉल ये सब ट्रेस किए गए थे, तो ये भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल आ रहा है जन जीवन मिशन के बारे में। अब देखिए ये जो आर्टिकल है स्मृति ईरानी जी के बारे में लिखा गया है तो ऑब्वियस है आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो सरकार है उनकी पूरी तरीके से तारीफ़ की गई है, इसीलिए ये जो आर्टिकल में दिया गया है ये डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है जन जीवन मिशन जो है ये बेसिकली क्या है ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से जन जीवन मिशन के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चीज़ें हैं वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैंने यहाँ पर लिखी है। तो पहला है इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिपेंडेंस डे पर उन्होंने अनाउंस किया था
कि वो यहाँ पर जन जीवन मिशन जो है ये यहाँ पर लेकर आएंगे, जिसके तहत यहाँ पर पाइप्ड वाटर जो है हाउस होल्ड्स को वो दिया जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर वो 3.5 लाख करोड़ जो है कमिंग ईयर्स में स्पेंड करेंगे। अब अगर देखा जाए इंडिया के पास 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती है, मगर सिर्फ 4% ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो है वो देखने को मिलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत कम यहाँ पर फ्रेश वाटर हमें देखने को मिल रहा है। मतलब लोगों की संख्या देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, फ्रेश वाटर देखा जाए तो कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। उसमें भी जो ग्राउंड वाटर लेवल है काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट होती जा रही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हमें देखने को मिल रहा है, वाटर क्वालिटी जो है वो भी डिग्रेड होती जा रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पानी है उसका असर बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा मेजर चैलेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, ये प्रोवाइड करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसीलिए यहाँ पर जो सरकार है उनकी तरफ से बोला जा रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हाउस होल्ड्स को जो पाइप वाटर है वो दिया जाए, और इंडिया का जो वाटर सिक्योरिटी है ये यहाँ पर इंश्योर करना, उसी के साथ साथ सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना सभी इंडियंस को ये सरकार की प्रायोरिटी जो है वो बन जाती है। तो जल जीवन मिशन इसके तहत गवर्नमेंट जो है ये यहाँ पर वाटर सप्लाई सभी हाउस होल्ड को प्रोवाइड करेगी 2024 तक। जल जीवन मिशन जो है ये वेरियस वाटर कंजर्वेशन एफर्ट जो है, जैसे कि पॉइंट रिचार्ज हो गया, डिसिल्टिंग ऑफ माइनर इरिगेशन टैंक्स हो गए, यूज ऑफ ग्रे वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड सोर्स सस्टेनेबिलिटी, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? पहला तो ये है कि वाटर स्कैरसिटी, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, 16% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में है और सिर्फ 4% जो है फ्रेश वाटर मिल रहा है। दूसरी चीज़ है उसमें भी जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट होता जा रहा है, जो पानी की ये है समस्या वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तीसरी है जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सरकार जो है वो सभी को पाइप्ड वाटर प्रोवाइड करेगी, और इसके लिए उन्होंने जो अलग अलग वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स है, जैसे कि पॉइंट रिचार्ज हो गया, डिसिल्टिंग ऑफ माइनर इरीगेशन टैंक्स हो गए, ये सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात की गई है। तो जल जीवन मिशन के बारे में ये सारे पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट यहाँ पर इकोनॉमी सेक्शन अगर देखा जाए तो नया रिजोल्यूशन अथॉरिटी जो है ये यहाँ पर लाया जाएगा, जो भी लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल हो रहे हैं उसे कर्ब करने के लिए। अभी अगर आप देखोगे बैंक्स बहुत ज़्यादा एनपीए चल रहे हैं, दूसरा यहाँ पर एनबीएफसी है ना, हमने फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम देखा था। फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है? पहला तो हमने ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम देखा है, जो बैंक्स वहाँ पर जो उनकी बैलेंस शीट खराब है एनपीए की वजह से। दूसरा हमने देखा था कॉरपोरेट, मतलब जो कंपनीज है। तीसरा हमने देखा था रियल इस्टेट, और चौथा हमने देखा था एनबीएफसी। तो ये हमें फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर लिक्विडिटी क्रंच होने की वजह से जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी स्लोडाउन से गुजर रही है। तो अब यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके फेलियर को कर्ब करने के लिए नई रिजोल्यूशन अथॉरिटी जो है वो लाई जाने की बात की जा रही है। अब देखिए रिजोल्यूशन अथॉरिटी मतलब बेसिकली क्या होता है कि वो रिजॉल्व करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अगर यहाँ पर ख़राब परफॉर्म कर रही है तो उसे लिक्विडेट कर दो और उसमें से जो पैसा आएगा वो बैंक को दे दो, मगर यहाँ पर रिजॉल्व करने की बात की जा रही है। तो अभी तो बिल इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद वहाँ पर लॉ बनेगा, तो कौन सी अथॉरिटी आती है वो देखा जाएगा। अभी एट प्रेजेंट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है IBC वो हमें देखने को मिलती है, और ये काम करती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके तहत है ना। उसमें हमें जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल देखने को मिलता है, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल देखने को मिलता है ना, और ये कंपनीज एक्ट के तहत स्टैब्लिश किए गए हैं। देखिए जो भी मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। आपको बोला जाएगा कि NCLT जो है ये स्टैब्लिश किया गया है IBC एक्ट के तहत, तो ये गलत रहेगा। कंपनीज एक्ट जो है उसके तहत NCLT जो है उसे स्टैब्लिश किया गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, NCLT में आप जाओगे वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो NCLAT में आप जाओगे एपिलेट ट्रिब्यूनल में, और अगर यहाँ भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हाई कोर्ट नहीं से तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देख लेते हैं। हमारी खूबसूरत धरती जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाना पड़ेगा, चलिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाते हैं। यहाँ पर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आ गए हैं, और वो जो कंट्री मैंने आपसे मैप में पूछी थी वो ये है सोमालिया।
तो सोमालिया ये वो कंट्री है जो मैंने आपसे मैप में पूछी थी, और यहाँ पर काफी जो पायरेट्स है वो देखने को मिलते हैं। तो ये कहाँ पर आती है, किससे कनेक्टेड है, कौन से स्ट्रेट से कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये सारी चीज़ें लिखी होगी। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।